हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेनिंग क्वारी पर। और आज की ट्रेन जानकर कुछ मेल एक्सप्रेस रिजर्व व कुछ अनरिजर्व ट्रेन्स के बारे में। 19 जुलाई उसके बाद शुरू करने वाली हैं एक एक करके। एनसीआर में ज़्यादातर ट्रेनें चलने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे के लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। पहली जो ट्रेन है ये नई दिल्ली से रोहतक के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 22 जुलाई को सुबह 10:45 पर नई दिल्ली से रवाना होकर दोपहर में 2:20 पर रोहतक से नई दिल्ली के बीच में चलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली बरेली इंटरसिटी के साथ रैक शेयर करती है। रोहतक और सांपला के रास्ते चलेगी ये ट्रेन। चंडीगढ़ से बांद्रा टर्मिनल्स को अभी भी हफ्ते में 2 दिन ही चलाया जा रहा है। 5:35 पर पहली बार 25 जुलाई से इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे बांद्रा टर्मिनल्स पहुंचेगी और वहां से 12 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर में 2:20 पर चंडीगढ़ हुई ट्रेन पानीपत, रेवाड़ी, रिंगस, अजमेर, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के रास्ते हफ्ते में 2 दिन चलती है। दिल्ली सराय रोहिला से पठानकोट धौलाधार एक्सप्रेस जो रात में ट्रेन चलती है हफ्ते में 3 दिन 23 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। रोहतक, जींद, जाखल, धूरी, लुधियाना, जलंधर, छावनी के रास्ते। पठानकोट से इस ट्रेन को 24 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा। रात को 23:40 पर पठानकोट से सुबह 9 बजे के बाद दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी। दिल्ली सराय रोहिला से उधमपुर ट्राई वीकली वातानुकूलित एक्सप्रेस को शुरू किया जा रहा है 24 तारीख को दिल्ली सराय रोहिला से, जबकि यही ट्रेन जो है वो उधमपुर से रवाना होगी 25 जुलाई 2021 को। हिसार से लुधियाना एक जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। 19 जुलाई को हिसार से रात को शाम को 4 बजे रवाना होगी। लुधियाना से ये ट्रेन 20 तारीख को रवाना होगी सुबह 5:30 पर। धूरी, जाखल और बरवाला के रास्ते पहुंचेगी हिसार। धूरी से 5:20 पर 21 जुलाई 2021 से ट्रेन शुरू की जाएगी हिसार के लिए जाखल संगरूर के रास्ते। इसी प्रकार हिसार से जींद ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। 19 जुलाई से 5 बजे हिसार से रवाना होकर सिरसा, बठिंडा, मानसा के रास्ते जींद पहुंचेगी 1:05 पर और यहां से रवाना होगी 5:05 पर। देर रात्रि 1:30 पर हिसार पहुंचेगी और बठिंडा में इसका स्टॉपेज जो है वो थोड़ा सा कम किया गया है। इसके अलावा जींद से दिल्ली ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। 19 जुलाई को 7:15 पर जींद से रवाना होकर रोहतक बादरोड के रास्ते 10:40 पर पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। इसी दिन शाम को 5:25 पर दिल्ली से जींद के बजाय नरवाना तक जाएगी। रोहतक के रास्ते नरवाना में 9:55 पर पहुंचेगी और इसी दिन यहां से जो है ये ट्रेन जो है नरवाना से दोबारा जींद आ जाएगी रात को 11 बजे और अगले दिन फिर यह 3 फेरे इसी प्रकार से शुरू करती है। टनकपुर से शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन चलती है, जो इस ट्रेन को 27 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। 8:25 पर टनकपुर से रवाना होगी। शक्तिनगर से ये ट्रेन जो है वो 28 तारीख से शुरू होगी दोपहर में 3:45 पर। इज्जत नगर और बरेली, लखनऊ, चारबाग, प्रयागराज के रास्ते चलती है और 3 दिन यही ट्रेन जो है वो टनकपुर से सिंगरौली तक चलती है। 26 जुलाई से पहली बार चलेगी और सिंगरौली से ये ट्रेन 27 तारीख को पहली बार चलेगी टनकपुर के लिए। तो ये जो है हफ्ते के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है 3 और 4 दिन का रैक शेयर करके। भिवानी से दूरी ट्रेन को शुरू किया जा रहा है 20 जुलाई 2021 से 4:05 पर भिवानी। दूरी पहुंचेगी 9:30 बजे। जाखल के रास्ते सिरसा से 11:40 पर रवाना होगी हिसार, दूरी, जाखल के रास्ते लुधियाना के लिए ट्रेन। इसी प्रकार धूरी से सिरसा भी ट्रेन जो है 5:20 पर रवाना होती है। 21 जुलाई 2021 से सिरसा पहुंचेगी 10:35 पर, यहां से लुधियाना जाएगी। अंबाला कैंट से कालका के बीच में ट्रेन जो है वो 6:30 पर अंबाला कैंट से शुरू की जाएगी। 19 जुलाई से शाम को कालका पहुंचेगी 8:15 बजे चंडीगढ़ के रास्ते और कालका से दोपहर में 1 बजे ये ट्रेन 19 तारीख को चलेगी अंबाला कैंट के लिए, 2:40 पर अंबाला पहुंचेगी। तो ये कुछ ट्रेनों की लिस्ट है जिनको शुरू किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, स्पेशली उत्तर रेलवे के आसपास के रीजन के लिए ट्रेनें हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से संबंधित या रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित ऐसी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।